समर्थन पिछले 24 वर्षों से क्षमता वृद्धि का काम कर रहा है और खास तौर से सहभागी स्वशासन के लिए काम करता है। पंचायतों की क्षमता वृद्धि हमारा एक महत्वपूर्ण काम है। इस काम को करने के लिए हमने ये तय किया है कि आपके बीच में फिल्म के माध्यम से इस श्रृंखला को प्रस्तुत करें। आशा है आपको ये अच्छी लगेगी। नमस्कार, आज ग्राम नियोजन समिति के बारे में बात करेंगे कि गांव के विकास में ग्राम नियोजन समिति क्या काम करती है। मेरा नाम योगेश कुमार है, मैं समर्थन संस्था के साथ काम करता हूँ। मेरा नाम दविंदर कौर है। हम दोनों मिलकर आज आपको ग्राम नियोजन के बारे में बातचीत करेंगे। देवेन जी शुरू करें। बिल्कुल, देखिए जब हमारे यहाँ पंचायत का चुनाव हो जाता है तो आमतौर पर हम सब लोग या हमारे गांव के नागरिक ये समझते हैं कि सरपंच और उप सरपंच या और पंच मिलकर गांव के विकास की योजना बना लेंगे। पर ये सोचिए कि जब ये गांव के विकास की योजना लोगों के लिए बननी है तो उसमें गांव के लोगों की भागीदारी क्यों नहीं होना चाहिए। इसलिए ज़रूरी है कि गांव के विकास की योजना गाँव के लोग ही मिलकर बनाएँ और इसलिए ये ग्राम विकास समिति का गठन किया जाता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। ग्राम नियोजन समिति का गठन करने के लिए दो बातों का ध्यान रखें। एक तो क्योंकि हमें सभी वार्ड में जाकर ज़रूरतों को समझना होगा, इसलिए हर वार्ड के पंच को उस समिति का सदस्य बना लें। साथ में अगर उस वार्ड का चुना हुआ प्रतिनिधि पुरुष है तो एक सक्रिय महिला उस वार्ड से ले लें। इसी तरह से सभी वार्डों से सारे पंच और एक महत्वपूर्ण व्यक्ति को चुन लें। आधी महिलाएँ हो जाएंगी, आधे पुरुष हो जाएंगे, तो एक समान रूप से इस तरह से काम करने में आसानी होगी। अगले कदम के रूप में जो हमारे ग्राम नियोजन समिति या ग्राम नियोजन दल के जो सदस्य हैं वो अलग अलग मोहल्लों में जाकर महिलाओं की अलग सभा आयोजित कराएंगे और पुरुषों की अलग सभा, और महिलाओं की दृष्टि से उनकी ज़रूरतें क्या हैं, विकास की ज़रूरत गांव की और उनके अपने मोहल्ले की, इस तरह से पुरुषों की दृष्टि से मोहल्ले की और गांव की विकास की ज़रूरतें क्या हैं, इसकी जानकारी इकट्ठी करेंगे। बहुत ज़रूरी बात कही आपने कि अपने गांव में अलग अलग समाज के लोग हैं, अलग अलग ज़रूरतों के लोग हैं, आयु के हिसाब से, शारीरिक क्षमता के हिसाब से और उनके सामाजिक परिवेश के हिसाब से, तो हर एक के साथ अलग ढंग से बातचीत करना आवश्यक है जिससे उनके नज़रिए से वो क्या मुश्किलों में है वो समझ सके हम लोग। राम राम सभी को। नमस्ते। चलिए जी, आप मुझे तो पहचानती है ना। चलिए, तो इस पंचायत में क्या अपनी जो पंचायत है इसकी एक साल भर की योजना बननो है, मतलब कि साल भर में कई काम होने हैं, तो एक नियोजन दल मतलब गाँव का जो योजना बनेगी नहीं वो कल एक दल को गठन करो अपनी पंचायत ने, तो उसमें हम लोगों ने हर एक मोहल्ला में भेज दिया है कि भाई मोहल्ला में कहीं कहीं समस्या है, कहीं कहीं काम होनो है, तो उसके लिए हम लोग पूरे मोहल्ला में ऐसे बैठा के कर रहे हैं। तो थोड़ा आप अपना मोहल्ला में जो खास का जो समस्या है या मुद्दा है जो अपने पंचायत में जुड़वाना है उन्हें कार्यक्रम में, तो वो थोड़ा सा बताओ कहीं कहीं हो सके है जिनके अपन जुड़वा ही सका। स्कूल 12वीं तक बनने चाहिए और कई कैसे लड़की मतलब बाहर कैसे जाए पढ़ने, लड़के उनसे चल जाए और इसके बाद में सर उनको ध्यान देने चाहिए कि बच्चे उनको कैसे पढ़ाए, क्या पढ़ाना क्या नहीं पढ़ाना, मतलब ऐसे बैठने से काम नहीं चलता। अच्छा, चलिए एक पढ़ाई का मुद्दा है कि जीजी ने कहा कि माठ साहबों को थोड़ा ध्यान हमेशा करना चाहिए कि माठ साहबों को ध्यान दें कि वो पढ़ाई पर थोड़ा ध्यान दें, बहुत अच्छी बात है। चलिए और कोई मुद्दा जी? बड़ी टंकी बननी चाहिए, हमारी बहुत परेशानियाँ हैं, नाला में तो हम दिन दिन भर पानी भरे करा, रात में भी भरा दिन में भी भरा, तो फिर हम कर खाना कद बनाए नहाए धोए तब ये में ही दिन चले जाए, दूसरा काम भी नहीं हो, खेती बाड़ी को हमारे दिन दिन भर हो जाए हमें पानी भरते भरते काम नहीं कर पाए थे। गाँव की बड़ी टंकी मोहल्ला में, गाँव में बनने चाहिए बड़ी टंकी तो गाँव की पूरा की समस्या का। अच्छा, मतलब घर घर नल लग जाए, नल तो घर घर लग जाए, बड़ी टंकी बनेगी जब लगेगा। हाँ, बड़ी टंकी मोहल्ले में नहीं है, मतलब टंकी बन जाएगी, घर घर नल बन जाएगा, सबकी समस्या खत्म हो जाएगी, सबकी समस्या खत्म हो जाएगी, सबको पानी मिल जाएगा फिर घर में। जी सर, इधर एक छोटी मोटी हॉस्पिटल बनना चाहिए, बच्चे बीमार होते हैं, ज्यादा सीरियस हो जाते हैं तो फिर सीहोर ले जाना पड़ता है, जब तक उनका काम ही हो जाता है एक बच्चा खत्म हो गया।
अभी 3-4 दिन पहले, व्यवस्था नहीं है जी गांव में हॉस्पिटल की। प्राथमिक उपचार अपने गांव में हो जाए, छोटी अस्पताल होना चाहिए जी। सहमत है आप? होना चाहिए। अच्छा बेन कुछ कह रही थी जी, बेन आप कुछ कह रही थी? सर हम जब बोल रहे हैं कि राशन आना चाहिए अपने गांव में, बहुत परेशानी पड़ती है, हमारे पास तो परमिट भी नहीं है। देखिए ये कितनी अच्छी बात निकल गई कि भाई अभी तक तो हम लोग की झुग्गी और परमिट, तो अब ये बड़ा मुद्दा है कि जिससे पूरे गांव को फायदा है कि भाई राशन की दुकान यदि गाँव में जाए तो हमारा रोजगार बच जाए, समय से हमें अनाज मिल जाए, और हमारा जो बूढ़ा है जो बुजुर्ग उन्हें जाना आना में जो दिक्कत नहीं हो उन्हें सब नई सुविधा से मिल जाए। सभी पंच और ग्राम वासियों को मेरा नमस्ते। हम लोग यहाँ पे हमारे गांव में जो योजना बन रही है उसमें क्या क्या चीजें, क्या क्या मुद्दे जुड़वाने चाहिए, इसलिए एकत्रित हुए हैं। आपको पता होगा कि गांव में पहले कौन से काम हो चुके हैं, अब कौन से काम और होने बाकी रह गए, उन चीजों के बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप और कौन से मुद्दे जुड़वाना चाहते हैं। हनुमान मंदिर आस्था का केंद्र है, वहाँ पे जितनी पब्लिक जाती है उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है जाने में, कीचड़ है, इसलिए अपन चाहते हैं कि इस योजना में जो भी योजना है उसमें जोड़ के इस रोड को अपन पूर्ण तरह से तैयार करें। क्या है हमारे यहाँ युवा वर्ग के लिए खेल कूद के प्रॉपर व्यवस्था नहीं है ताकि जहाँ पे बच्चे खेल सके। खेल कूद का ग्राउंड तो हालांकि पंचायत द्वारा निर्धारित कर दिया गया है, मगर उसमें कुछ असुविधा है, जैसे बाउंड्री है, बैठने की व्यवस्था कम है, तो ये चीज़ों को अपने को जोड़ना है उसमें। ठीक है। तो हमारे यहाँ राशन पानी कितनी बेला पड़े कि पानी गिर जाए, मान लो 15-20 किलोमीटर तो जाना पड़े कच्चे में, माथे पैसे रख के लाए, मान लो हमारे बहुत दिक्कत आ राशन पानी ले जाने। तो राशन की दुकान नहीं आपके नहीं, 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 नहीं बहुत परेशान। समस्या या कुछ पानी की व्यवस्था अभी तो है, पर गर्मी में पानी की व्यवस्था, पानी के लिए अपन जो है पंचायत में प्रस्ताव रखेंगे। हाँ। सर्वसम्मति से और भी चल करके कि नल जल योजना अपने यहाँ लागू हो जी। बस हम सब लोग उस पर तैयार, क्यों सब तैयार है ना? यहाँ पे सब लोग इकट्ठे हुए और सबने ये हमारे अपने गांव के लिए जो विकास योजनाएं बनाई वो बहुत ही कारगर साबित होंगी और हम लोग इसको जोड़ेंगे, ले जाएंगे पंचायत में। देखिए अभी जो फिल्म हमने दिखाई है उसमें हमने देखा कि महिलाओं ने एकदम अलग तरह की ज़रूरतें बताई। उन्होंने कहा पानी की समस्या सबसे बड़ी समस्या है, और फिर उन्होंने कहा कि लड़कियों के लिए 12वीं तक स्कूल जो है वो गांव में ही होना चाहिए। वहीं उस फिल्म में हमने देखा कि जो पुरुष हैं उन्होंने कहा कि मंदिर तक जो जाने वाली सड़क है वो पक्की होनी चाहिए, युवकों के लिए खेल का मैदान होना चाहिए। तो यहीं पर हमें पता चल जाता है कि पुरुष और महिलाएं एक अलग अलग तरह की प्राथमिकताएं या अलग अलग तरह की ज़रूरतें बतला रहे हैं, इसलिए ये सभाएं होना बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ और भी उसमें हमने देखा जो उसमें ये था कि जो सबसे गरीब लोग हैं उनकी एक मांग थी कि हमारे यहाँ राशन की दुकान भी हो, क्योंकि उन्हें बहुत दूर से राशन लाना पड़ता है और बहुत समय उनका उसमें कोटा होता है, इसलिए अपने गांव में एक सरकारी राशन की दुकान की भी मांग की है। तो हमने देखा कि पहला चरण जो था वो एक ग्राम विकास दल का गठन था, और दूसरे चरण में लोगों की ज़रूरतों को जानना, लेकिन केवल अलग अलग सभाएं करके लोगों की ज़रूरतें पता नहीं चलती, कुछ लोग अपने घरों से निकलते ही नहीं हैं विभिन्न कारणों से। तो ऐसे में जो पंचायत के लोग हैं उनको गाँव में भ्रमण करके अलग अलग लोगों से बातचीत करके भी लोगों की ज़रूरतें जानना चाहिए। आपको इसके लिए हम एक छोटे से कुछ फिल्म दिखाते हैं कि कैसे पंचायत के लोग लोगों से बात कर रहे हैं। समस्याओं को गहराई से जानने के लिए ये ज़रूरी है कि हम कुछ और तरीकों का इस्तेमाल करें। सामाजिक मानचित्र, संसाधन मानचित्र एक इसी तरह का तरीका है जिससे हम ये देख पाते हैं कि लोग जैसे कि पानी की समस्या को समझने के लिए क्या करें। सब लोग मिलकर अपना एक नजरी नक्शा बनाते हैं, उस नजरी नक्शे में दिखाते हैं कि पानी उनको कहाँ कहाँ से मिलता है, कहाँ से नहीं मिलता, और उसको करने का फिर वो रास्ता निकालते हैं कि उनकी समस्याएं क्या है। आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं और हम सबने मिलकर ये गाँव का सामाजिक और प्राकृतिक मानचित्र बनाया है, जिसमें हम लोग पानी के मुद्दों पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि हमारे गांव में पानी की समस्याओं को सुलझाने के लिए क्या क्या काम हो सकता है। जल के साधन को लेकर हमने उसमें मुख्यतः फोकस किया है कि कहां कहां हमारे पास जल स्रोत हैं
और उसमें हमको किस तरह की योजना बनाने की ज़रूरत है तो उसको हम देखेंगे। पहले तो ये जो है ये सारे सीसी रोड हैं गाँव में, पक्के रोडों को दर्शाया गया है उसमें। और ये जो है संस्थाएँ हैं, जैसे स्कूल है, इधर पंचायत भवन है, पंचायत भवन में जो पानी का टंकी और बोरिंग है उसको दिखाया गया है। ये सारे जो हैं ये अपने गांव में जितने भी हैंडपंप बने हुए हैं उनको दिखाया गया है। जैसे कि इधर बताया गया है कि पानी है, पीने का पानी यहाँ पे उपलब्ध है, यहाँ पे हैंडपंप भी अच्छा है और ये जो पंचायत भवन में टंकी बनाई है इसमें भी पानी उपलब्ध है। और इधर वाला जो क्षेत्र है, जो होली चौक है, इसमें पानी की व्यवस्था नहीं है। एक ये कुआँ है, इसमें गंदा पानी है। और यहाँ पे या तो बताया गया कि इधर पानी बहुत गहरा है या पानी कम है। इधर से व्यवस्था इधर करी जा सकती है अगर चाहे तो, पानी की कि जैसे टंकी वहाँ बनी है तो या तो नल के द्वारा आ जाए या फिर टंकी गांव में भी एक बना दी जाए तो उसका इधर ट्रांसफर हो जाए। और फिर पानी को रोकने की व्यवस्था भी की जा सकती है। जैसे हैंडपम्प है, ये वाला जो हैंडपम्प है एक हमारा इधर रोड पे, तो ये गंदा पानी देता है, फिर भी हम सब लोग उसी का पीते हैं क्योंकि वो दूर पड़ता है ना, सारा काम छोड़ के कब तक जाएंगे उस पे? और फिर सारी जनता का भरपूर नहीं हो पाता है वहाँ, तो इससे लाना पड़ता है, तो ये गंदा पानी देता है फिर भी पी रहे हैं उसे। पानी है तो वो कुआं उनका पानी है इधर, और गाँव में जो है भीतर अंदर पीने का पानी नहीं है। ये घर है मकान, इनमें पीने का पानी नहीं है। जहाँ से लाते पानी, शमशान वाले हैंडपंप से घर लाते, घर मकान जो है टंकी बना। सार्वजनिक तालाब अपना एक बना हुआ है शिवजी की राड़ी में, इस तरफ ही है वो, तो उसको अगर गहरा और चौड़ा कर दिया जाए तो उससे काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। वहाँ क्या है, शासकीय भूमि है तो उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। और दूसरा, जो छोटे छोटे किसान हैं जिनके खेत हैं, जो गरीब वर्ग के किसान हैं, उनके खेतों में भी अपन एक खेत तालाब अगर बना दें तो काफ़ी हद तक सुधार किया जा सकता है। तो इस नाले में अगर 2-3 स्ट्रक्चर तैयार हो जाते हैं तो इससे काफ़ी हद तक वाटर लेवल का सुधार हो सकता है। तो सभी साथियों ने मिलकर जो चर्चा करी है ये सामाजिक और प्राकृतिक मानचित्र के माध्यम से काफ़ी अच्छी चर्चा हो गई। तो इस तरीके से पूरे गांव में क्या क्या निर्माण काम पानी के लिए होना चाहिए वो आज की चर्चा से निकल के आया है, उसको हमारे साथियों ने लिखा है। अब हम इन सारी बातों को लेके पंचायत के साथ बैठ के आगे की योजना बनाएंगे। आप सभी का धन्यवाद। तो देखिए, इस तरह से हम लोगों ने ग्राम विकास की जो प्रक्रिया है उसके 2 चरणों को समझा। एक चरण था ग्राम विकास समिति या ग्राम विकास दल का गठन करना और दूसरा था लोगों की ज़रूरतों को समझना। अब ग्राम विकास दल का तीसरा जो जिम्मेदारी है वो ये है कि पंचायत की बैठक में इन ज़रूरतों के को लेकर जाना और बैठक में उपस्थित सभी लोगों से उसकी चर्चा करना। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जब अलग अलग मोहल्लों से समस्याएं निकल आती हैं तो नियोजन दल का काम है उसको एकजाई करना, इकट्ठा करना, और ये जो लिस्ट बनेगी समस्याओं की निकल कर आकर, अब उसकी प्राथमिकताओं को तय करना है। और प्राथमिकताएं तय करने के लिए ये ज़रूरी है कि नियोजन दल पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ बैठे और तय करे कि किस समस्या को पहले करना है और किस समस्या को बाद में लेना है। सभी को राम राम। आज की ग्राम नियोजन दल की बैठक में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के माध्यम से मोहल्लों से वार्डों से जो जो भी समस्याएं निकल के आई हैं वो हमने इस पर हम चर्चा करेंगे आज। और मैं आपसे सभी से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आगामी 5 साल बाद हम हमारे गांव को किस स्तर पे देखना चाहते हैं, उन सब विषयों पे हम चर्चा करें। हमारी पंचायत का अगले 5 वर्ष का विकास का क्या सपना है, हम अपनी पंचायत में क्या क्या होता हुआ देखना चाहते हैं, यानी बदलाव का सपना क्या है। सपन जी, हम अपने गांव को 5 साल में एक उन्नत खेती में किस तरीके से हमारे गांव को देख सकते हैं कि हमारे गांव में जैविक खेती को बढ़ावा मिले और किसानों की आय कैसे बढ़े, और जो पानी की समस्या है हमारे गांव में खेती के पानी को भी लेके, तो उसको हम कैसे समाधान कर और किसानों को पानी उपलब्ध और उनकी आय बढ़ा सके, सतत किसान की परिकल्पना को पूरा कर सके। बिल्कुल ठीक,
आप बताएं। सरपंच साहब, अपने गांव के 5 साल में अपने गांव के हर नवयुवक के पास रोजगार हो, कुछ इस प्रकार का रोजगार हो जिससे कि गांव के युवाओं को बाहर पलायन ना करना पड़े, इस प्रकार के रोजगार की व्यवस्था की जाना चाहिए पंचायत। मेरा तो ये सुझाव है समिति के सामने कि हम लोग अपने गांव को 5 साल बाद एकदम स्वस्थ देखें, इसके लिए गांव में एक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए 5 साल के अंदर, ताकि हमारे गांव का हर व्यक्ति निरोगी रहे। 5 साल के अंदर घर-घर अच्छा साफ पानी होना चाहिए। जी ठीक है, अब हम समस्याओं को लेकर बात करते हैं। विगत 5 सालों के सपने की हम बात कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं जो सपना हमारे पूरे मेंबर जी ने देखा है, सरपंच जी ने देखा है, तो उसी सपने से मिलते जुलते कुछ गाँव में समस्याएं देखने को मिली, मैं आपसे अवगत कराना चाहता हूँ। सबसे पहले हम लोग मोहल्ला में बैठे सारे मोहल्लों में एक बड़ी समस्या कि हमारे यहाँ जो बालिका शिक्षा है उसमें 10वीं से 12वीं तक की, जो 8वीं तक का तो हमारे स्कूल है, और 10वीं और 12वीं की जो शिक्षा है बालिकाओं को लेकर बड़ी समस्या है, क्योंकि आने जाने के भी दिक्कत है, अपने यहाँ कोई संसाधन नहीं है। और बहनों ने बड़ी गंभीर के भैया पानी की बड़ी समस्या है, हमारा पीने का पानी शुद्ध पेयजल हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं होता है, बल्कि 4 महीने गर्मी की बड़ी मुसीबत से निकलते हैं। तो तीसरा एक और सभी बुजुर्गों से और सबके साथ हम मोहल्ले स्तर पर बैठे, तो एक और समस्या सचिव जी, राशन की दुकान जो कि हमारे गांव से 3 से 4 किलोमीटर दूर बमुलिया में है, तो उसमें बड़ा लोगों ने कई तरीके के भाई हमें जाने आने में दिक्कत होती है, जो वृद्ध लोग होते हैं उनको अंगूठे से लगाना पड़ता है, कई बार राशन नहीं होता तो वापस आना पड़ता है। और आगे एक और हम लोग थोड़ा हमला छोड़ने वाले मोहल्ले में बैठे थे, तो वहाँ कीचड़ की समस्या, रोड थोड़ा कच्चा होने के कारण, क्योंकि वो हमारा आस्था का केंद्र है, वहाँ लोगों को आना जाना होता है, तो उस रोड पे थोड़ा कीचड़ और नाली निर्माण की आवश्यकता है, तो उसमें थोड़ा सा रोड निर्माण की तरफ मैं ध्यान हमारी कार्य योजना में लेना बहुत जरूरी है। देखिए, हमने देखा कि फिल्म में नियोजन समिति या नियोजन दल के सदस्य ने बहुत ज़्यादा सिफारिशें प्रस्तुत की हैं, लेकिन क्या ये सारी सिफारिशें, ये सारी ज़रूरतें एक पंचायत पूरा कर सकती है? शायद नहीं। वो पंचायत के पास संसाधन या बजट तो बहुत सीमित होता है, और ऐसे में उसको अपनी जो ज़रूरतें हैं, गांव की ज़रूरतें हैं, उसका एक तरह से प्राथमिकीकरण करना पड़ता है कि कौन सी ज़रूरतें सबसे पहले लें और कौन सी बाद में ली जा सकती हैं। ग्राम नियोजन दल और हमारे पंचों के द्वारा जो मुद्दे निकल के आए हैं वो ये हैं, तो अपन इसमें सबसे पहले कौन सा मुद्दा जरूरी है उसको प्राथमिकता पे लें, क्योंकि हम सारी समस्याओं पे एक साथ काम नहीं कर सकते, हमारे पास साधन सीमित हैं, इसलिए ज़रूरी है कि हम अपनी ज़रूरतों को, समस्याओं को एक तय करें कि कौन सी ज़्यादा ज़रूरी हैं और कौन सी कम, किन्हें हम पहले कर सकते हैं किन्हें बाद में किया जाए, कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिनको ज़्यादातर लोग प्रभावित हो कर रहे हैं, उन समस्याओं को में लंबे समय काम करने के बाद कुछ होगा, तो इस नज़रिए से हम पहले अपनी सारी समस्याओं को देखते हैं और उनका प्राथमिकीकरण करते हैं। सरपंच साहब, पहले पानी का मुद्दा लेना चाहिए, क्योंकि पानी के लिए दिन भर महिलाएं बहुत बहुत जोर से पानी ला रही हैं, बच्चे रोते रहते हैं, स्कूल भी नहीं जा पाते, वो घर के काम भी छूट जाते हैं, इसलिए पहला मुद्दा पानी का है, पानी की समस्या हल होगी तो बाकी को काम भी कर सकते हैं। सभी सहमत है पानी के मुद्दे के लिए? ठीक है, पहले उसमें पानी का ले लीजिए। दूसरा मुद्दा क्या हो सकता है? सर, हमारा दूसरा मुद्दा शिक्षा को लेकर होना चाहिए, जो कि हमारी बेटियों के लिए बहुत ज्यादा अनिवार्य है। हमारे गांव में देखा जाए तो अधिकतर लड़कियां 8वीं पास करने के बाद घर में बैठ जाती है और माँ बाप इस कारण उनकी शादी जल्दी कर देते हैं। यदि गांव में हाई स्कूल होता है तो हमारी बेटियां भी आगे पढ़ेंगी और उनको अच्छा टाइम मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा मुद्दा शिक्षा का ले लेते हैं अपन, इसमें ये जरूरी है, सभी सहमत है। दूसरा आप जो मुद्दे निकल के आए हैं इन पर समिति के लोग अलग अलग बैठ के और इनका कैसे हल निकल सकता इस पर चर्चा करें। तो हमने देखा कि बैठक में चर्चा करके लोगों ने 2 जरूरतों को तय किया कि एक तो पानी की समस्या गांव की हल करना और दूसरा लड़कियों के लिए 12वीं तक का स्कूल, इस पर एक सहमति बन रही है कि इन 2 जरूरतों को प्राथमिकता से लेंगे। प्राथमिकीकरण के बाद भी लिस्ट आपकी लंबी होगी, लेकिन समझ बनाने के लिए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इन 2 समस्याओं को देखकर हम समझ सकें।
और ग्राम विकास दल की जो भूमिका है खत्म नहीं होती, क्योंकि इन दो जरूरतों को पूरा करने के कई तरीके होंगे। ऐसे विकल्प ना चुने जिनका पर्यावरण पर नुकसान ज्यादा हो, ऐसे विकल्पों को चुने जो सस्ते हैं, कई बार हो सकता महंगे विकल्प पर जाना पड़े क्योंकि वो टिकाऊ है, लंबे समय चलने वाले हैं। जैसे कि पानी की टंकी अगर बनती है उसमें खर्चा ज्यादा है लेकिन महिलाओं को सुविधा भी ज्यादा मिलती है और लंबे समय तक पानी की टंकी का पानी भी सबको मिलता है। और तीसरा जो ध्यान रखने की बात है जो टिकाऊ भी हो। अगर गांव में पानी की व्यवस्था में अगर हम पानी की टंकी का निर्णय लेते हैं और बिजली उस गांव में उपलब्ध नहीं है तो ये व्यवस्था टिकाऊ नहीं होगी। इसलिए तीनों चीज़ों को ध्यान में रखें, कम खर्चे वाला कौन सा है, टिकाऊ कौन सा ज़्यादा होगा और पर्यावरण की दृष्टि से कौन सा बेहतर विकल्प। तो हम वो फिल्म देखते हैं जिसमें ग्राम विकास दल के लोग मिलकर एक विचार विमर्श कर रहे हैं कि किन तरीकों से इन जरूरतों को पूरा किया जाए। आज की बैठक में सभी साथी हम लोग मिलकर जो मुद्दे निकल के आए हैं उनके विकल्पों के चुनाव पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप लोग के सामने मैं रखना चाहूँगा कि हमारे गाँव के लिए एक मुद्दा जो निकला है नल जल योजना का निकला है और इसमें तीन विकल्प सामने आए हैं जब चर्चा हम लोगों ने करी है। पहला विकल्प है हमारे सामने नल जल में कि एक तो हैडपम्प लगवाया जाए जिस मोहल्ले में पानी ना हो, और दूसरा घर घर नल जल की व्यवस्था हो ताकि हर घर में नल की व्यवस्था हो जाए। और तीसरा एक मुद्दा निकल के आया है कि इसमें अगर हम मोहल्लेवार टंकी रखवा दें तो तीन विकल्प है सभी घर में पानी पहुँचाने के लिए। और आप लोग बताइए कि कौन सा विकल्प बेहतर होगा हमारे गाँव के। घर घर नल होना चाहिए, इससे दूर न जाना पड़े। टंकी बनवाएंगे तो टंकी का तो क्या है कि खुला छोड़ देते नल भी, और टंकी की कोई देख रेख भी नहीं कर पाते लोग, और हेडपम्प भी खराब हो जाते तो उनको सुधारने में भी टाइम लगता है। तो इसलिए सबसे अच्छा विकल्प होगा घर घर नल हो। हाँ, एक बहुत बढ़िया। हाँ, घर घर नल जल व्यवस्था की क्या स्थायी व्यवस्था है, एक बार हो जाएगी तो वो आगे के लिए हमेशा के लिए भी हो जाएगी। जी बिल्कुल, कंटिन्यू चलती रहे। सही बात है। तो आप सब सहमत है तो हम लोग फिर घर घर नल योजना के लिए सहमति देते हैं कि इसके ऊपर काम किया जाए। दूसरा मुद्दा अपने गांव में शिक्षा का है, खास करके हाई सेकेंडरी स्कूल के लिए, कि बच्चियां जो अपने गांव से बाहर जा रही हैं उस मुद्दे पे अपने को सोचना है। इसमें दो विकल्प अपने सामने हैं, एक तो पंचायत में अपन बात करें कि शिक्षा विभाग को लिखें कि हमारे गाँव में ये स्कूल होना चाहिए हाई सेकेंडरी का, और दूसरा है कि जब तक हाई सेकेंडरी का स्कूल ना हो तब तक हम लोग लड़कियों को पहुंचाने के लिए कोई वाहन की व्यवस्था करें। तो आप लोग बताइए क्या करना बेहतर होगा। ये जो हम पंचायत द्वारा ये जो शिक्षा विभाग को प्रस्ताव देने वाली बात कर रहे हैं, इसमें काफी वक्त लग सकता है, लगभग 2-3 साल तो लगेगा। तब तक हम क्यों ना ये लड़कियों को स्कूल तक पहुँचाने वाली मुद्दे पे काम करें, वाहन की व्यवस्था करें ताकि ये काम जल्दी से जल्दी शुरू हो जाए। जी बिल्कुल सही समझे आप। सही बात। तो जैसा आप लोग सब सबकी सहमति है कि हमें दोनों विकल्प हमारे इस मुद्दे के लिए ज़रूरी है, कि एक तो पंचायत में हम लोगों को शिक्षा विभाग को लेटर लिखना भी ज़रूरी है ताकि इसके लिए हम लोग शिक्षा के लिए स्कूल बनवा सकें, और दूसरा जब तक स्कूल निर्माण होगा तब तक हम दूसरा विकल्प है कि वाहन की व्यवस्था करें, और उसमें गाँव के लोग जिनके बच्चे जा रहे हैं वो लोग चंदा करके उस वाहन में सहयोग करेंगे, और वो जब तक निर्माण नहीं होता तब तक वाहन से हम लोग इस मुद्दे को हल करें। जी तो यही दूसरे वाले को प्राथमिकता देते हुए और पहले वाले को प्रोसेस में रखा। जी इसके बाद एक बड़ी बात जो आती है कि इन विकल्पों को चुनने के बाद में भी क्या ये दो जरूरतें जिनको चुना गया है ये पूरी हो सकती हैं। तो हम देखते हैं कि पंचायत के सदस्य फिर से बैठते हैं और बजट पर चर्चा करते हैं। बजट बनाने के पहले ये आवश्यक है कि हम ये देखें अपने पंचायत के पास कितनी आय है और कहां कहां से ये आय हमें आने वाली है। तो पहला पंचायत की आय का जरिया है वित्त आयोग से मिलने वाला पैसा। तो राज्य का भी वित्त आयोग पैसा देता है और केंद्रीय वित्त आयोग से पंचायत के पास पैसा आता है। इन संसाधन से वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। दूसरा कार्यक्रमों के माध्यम से आने वाला पैसा, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आने वाला पैसा हो, मनरेगा से आने वाला पैसा हो, या अन्य स्कीमों के माध्यम से आने वाला पैसा है, वो पैसा भी पंचायत के पास उपलब्ध होता है। और तीसरा उनकी अपनी स्वयं की आय,
क्योंकि पंचायतों के पास कई बार जंगल होता है, कई बार उनके पास हाट मंडी होती है, कई बार दुकानें होती हैं, उनके माध्यम से भी उनके पास बहुत सारा पैसा आता है। तो अगर हमें इन विकल्पों को चुनना है, जैसा आपने कहा बजट बनाना है, तो पहले ये देख लें कि आपके पास आने वाला पैसा कितना होगा या किसी स्कीम के अंतर्गत मिलने वाली संसाधन की राशि कितनी हो सकती है। सरपंच साहब, पहला था हम लोगों का नल जल योजना का, जिसमें कि घर घर नल हो और पानी की व्यवस्था की जाए, तो उसमें हम लोग एक सामुदायिक टंकी बनाए, टंकी के माध्यम से नल जल योजना चालू की जाए, उसमें एक साल का कार्यकाल रहेगा कि हम लोग एक साल में सारी व्यवस्थाओं को लागू करें। हाँ। और 70 लाख का उसमें बजट है, और पंचायत और समुदाय मिलके पीएचईडी विभाग को, पानी के विभाग को आवेदन दे। ठीक है। दूसरा था कि हम लोग के गांव में बच्चियों के लिए हाई स्कूल की व्यवस्था की जाए, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल की, इसमें कि वो भी हम लोग सोच रहे हैं कि एक साल के कार्यकाल में हम लोग इसे पूर्ण करें, जिससे कि हम लोगों का सपना है 5 साल का, वो लगभग 5 साल होते होते पूरा हो जाए। तो जिसमें 50 लाख का बजट हम लोग को तय किया गया कि 50 लाख का खर्च है उसमें, और पंचायत द्वारा शिक्षा विभाग को आवेदन दिया जाए। दूसरा ये रहे कि बच्चियों के लिए जब तक स्कूल की व्यवस्था नहीं हो रही, तब तक गांव से कुछ वाहन की व्यवस्था की जाए, जिससे कि बच्चियों को दूसरे गांव में स्कूल में पहुंचाया जाए। ठीक है। तो देखिए, हम लोगों ने 3 चरणों पे पहले बात की, जिसमें कि पंचायत की बैठक तक, और देखा कि चौथा चरण क्या है, ग्राम विकास दल विकल्प को चुनेगा, और 5वां चरण हमने देखा कि पंचायत के लोग मिलकर बजट पर चर्चा करेंगे। लेकिन क्या इस 5वें चरण के बाद में अब यह तय हो गया कि इन सिफारिशों को या इन प्राथमिकताओं को हम चुन लेंगे? तो इसके बारे में भी यदि आप हमारे साथियों को बताएंगे तो हमें और मदद मिलेगी। तो अब नियोजन दल जब विकल्पों के बारे में निर्णय हो गया, आय का आकलन हो गया, तब बैठकर अब विस्तृत बजट हर गतिविधि के लिए बनाएंगे। पानी की टंकी में कितना खर्चा होगा, कौन जिम्मेदारी लेगा, कब तक हो सकेगी। इसी तरह से स्कूल में आपने जैसे देखा 2 विकल्पों पर लोगों ने बातचीत की, एक हमारे गांव में माध्यमिक तक स्कूल हो जाए, लोगों को लगा कि इसको काम करने में वक्त लगेगा, इसलिए एक और विकल्प उन्होंने ढूंढा कि तब तक बच्चियों के दूसरे जगह जहां पर स्कूल जा रहे हैं जाने के लिए क्या कोई यातायात की व्यवस्था हो सकती है। तो कुछ दीर्घगामी लक्ष्यों के लिए काम करते हैं हम, और कुछ अभी जल्दी करने वाले के लिए, और इनमें होने वाले बजट को हम फिर बनाते हैं। जब ये आपका पूरा नियोजन का मसौदा तैयार हो जाएगा, जब आप पूरी गतिविधियों और उसके बजट और जिम्मेदारी और समय को बना लेते हैं, तब अगला चरण है ग्राम सभा में इसको पारित करना। अब वास्तव में सबसे बड़ी ताकत अगर गांव में किसी के पास में है तो वो है ग्राम सभा। ग्राम सभा यानी गांव के लोगों की सरकार। तो जब तक गांव के लोगों की सरकार में बहुमत से ये निर्णय नहीं हुआ, ये बहुमत से ये स्वीकृति नहीं मिली कि जो प्राथमिकताएं विकास की चुनी गई हैं वो उन प्राथमिकताओं को पूरा किया जाए, तब तक ये नहीं माना जाएगा कि ये इस तरह का विकास हो सकता है। तो ग्राम सभा के पास इन प्राथमिकताओं को ले जाना जरूरी है। फिर ग्राम सभा में जो बहुमत से जब लोग हाथ उठाएंगे या सहमति देंगे कि हाँ उनको पानी की वैसी ही सुविधा चाहिए, या लड़कियों के लिए स्कूल 12वीं तक बाहर पढ़ने के लिए एक बस की व्यवस्था या छोटी गाड़ी की व्यवस्था हो सकती है, तभी ये विकास का चरण जो है वो पूरा होगा। तो इस तरह से जो आखिरी और 6वां और सबसे महत्वपूर्ण चरण है कि गाँव की सरकार यानी ग्राम सभा से स्वीकृति लेना। तो ग्राम सभा से अनुमोदन के बाद ही आपकी योजना पूरी मानी जाएगी। अब ग्राम पंचायत का काम है कि हर एक ग्राम सभा से अनुमोदित योजना को एक जारी करें, इकट्ठा करके ग्राम पंचायत का पत्र लगाकर दस्तखत करके इसको जिला पंचायत में, जनपद पंचायत में प्रेषित कर दें कि हमारी ग्राम सभा के माध्यम से हमारी पंचायत की योजना बनी है, अब हम सब लोग मिलकर इस पर काम करेंगे, और सरकार से भी हम अनुरोध कर रहे हैं कि आप
इस योजना को पूरा करने में मदद करें। योगेश जी, अब हम लोगों ने ग्राम विकास समिति के सभी चरणों पर चर्चा कर ली है, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि हमारे जिन साथियों से हम चर्चा जिनके सामने रख रहे हैं या जिन्हें प्रशिक्षण दे रहे हैं, हम उनकी बातें भी जानें। तो इसके लिए आप लोग 4 या 5 के छोटे छोटे समूह में बैठिए और ये चर्चा करिए। पहला ये कि जो कुछ हम लोगों ने बात की है या जो फिल्म आपने देखी है, इसमें आपको सबसे महत्वपूर्ण चरण कौन सा लगा। इसके साथ ही आपको अपने गांव की विकास की प्राथमिकताओं की सूची बनानी है। आपस में परामर्श करके एक सूची बनाइए और इस पर विचार करिए कि ऐसा क्यों था कि महिलाओं ने लड़कियों के लिए 12वीं तक स्कूल की सिफारिश बहुत ज़ोर से की, जबकि ये आवाज़ पुरुषों से नहीं उठी। और जब आप समूह बनाएं तो ये देखिए कि हर समूह में एक महिला सदस्य जरूर हो।